गाइस वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एमडीएस सर्वाइवल जर्नी एंड दिस इज विजेता। सो आज वेडनेसडे है तो आज है वेडनेसडे वीडियो जो कि होगी ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड। सो मैंने आज का टॉपिक चुना है कि जब हमारा ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है वेदर इज सेंसिटिव टीबी और एमडीआर टीबी तो हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। सो आज मैं वही चीज़ें आपको बताऊंगी। सो उन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है अगर आपका ट्रीटमेंट खत्म हो गया है। सो मैं वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ और ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा। सो गाइस जैसे आपका ट्रीटमेंट खत्म होता है तो सबसे पहले अपने आप पे प्राउड फील कीजिए क्योंकि हर कोई ये ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं कर पाता, हर किसी के पास वो हिम्मत नहीं होती है अपने ट्रीटमेंट को कंप्लीट करने की। लेकिन अगर आपने किया है तो आप में वो विल पावर है, आप उतने स्ट्रांग हो कि आप ये सब झेल सकते हो। सो इसीलिए अपने आप पे प्राउड फील कीजिएगा और खुश रहिएगा जब आपका ट्रीटमेंट खत्म हो जाए तो अपने आप इस चीज को, इस दिन को एज अ रिवर्थ की तरह जो है सेलिब्रेट करिए। सेकंड, मेक श्योर कि जितना भी आपका टेस्ट जरूरी होने चाहिए वो सारे टेस्ट जो हुए हो और वो सारे जो है नेगेटिव हो। सो ये चीज ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि आपके जो लास्ट वाले फाइनल टेस्ट हो वो सारे नेगेटिव हो। उसके अलावा डाइट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, इवन आफ्टर ट्रीटमेंट। लेकिन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट क्या होता है, हम डाइट बहुत अच्छी रखते हैं क्योंकि हम ट्रीटमेंट पे हैं, हमें दवाइयाँ खानी है, वीकनेस है ये वो। लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान और जब आखिरी में हम पहुँच जाते हैं तो हम क्या होता है थोड़ा हमारा वीकनेस वगैरह कम हो जाता है, हम थोड़े सही महसूस करते हैं। तो उस टाइम भी अपनी डाइट को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, जो आपका ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट डाइट है वही आप आफ्टर ट्रीटमेंट भी रखें। सिर्फ आपने मेडिसिन बंद करनी है, बाकी जो आपकी डाइट है वो एज इट इज ही लेनी है। आपको हो गया, इसके बाद क्या आप लाइट एक्सरसाइजेस वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हैं। लाइट एक्सरसाइजेस में आप योगा कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, क्योंकि कई बार होता है कि जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको जो है कंट्रोल करना भी जरूरी है कि ऐसा ना हो कि बहुत एक्सेस में वेट बढ़ जाए ताकि आपको बाद में दिक्कत हो। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, इवन आफ्टर द ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आपने नहीं किया है तो आफ्टर ट्रीटमेंट जो है आप लाइट एक्सरसाइज जैसे योगा भी स्टार्ट कर सकते हो, वॉकिंग भी कर सकते हो और जॉगिंग भी स्टार्ट कर सकते हो, स्किपिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हो। ये हमारा ट्रीटमेंट खत्म होता है ना तो एक दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है, हमारा इम्यूनिटी जो है लो होता है तो हमें जल्दी ही कोल्ड, कफ, ये सारी चीज़ें होने लग जाती है। मुझे याद है कि जैसे मेरा ट्रीटमेंट खत्म हुआ था तो मुझे इजिली कैच हो जाता है कोल्ड हो, कफ हो, वायरल हो, ये सारी चीज़ें। जैसे मौसम चेंज होता है ना हम जल्दी से बीमार पड़ जाते हैं, तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है। अगर आपका ट्रीटमेंट से आपका अभी ख़त्म हुआ है तो अगर आप बीमार पड़े हो विद इन 2 मंथ और कोल्ड का 4 आया आपको तो ये कॉमन है गला खराब होना। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो जो प्रिकॉशन आप ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ली है ताकि आप बीमार ना हो कोल्ड से, कफ आपको ना हो, तो वो आपको आफ्टर ट्रीटमेंट भी लेनी है अप टू 1 to 2 ईयर्स तक। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, डेली आप गार्गल करो, रात को बिल्कुल भी खट्टा या अचार वगैरह, दही वगैरह बिल्कुल अवॉइड करो। अगर खाना है दही भी और नींबू भी तो दोपहर को ही लो, इससे क्या होगा कि आपका गला खराब नहीं होगा। और जैसे ही मौसम चेंज होने लगता है, अगर गर्मी से सर्दियां आ रही है तो अपने आप को ढक के रखें और बिल्कुल गर्म पानी ही पिएं, सूप वगैरह पिएं ताकि इजीली मौसम चेंज हो तो आपको कोई दिक्कत ना आए। तो इस चीज़ का भी आपको जो है वो खास ध्यान रखना है। तो अगर आपको लंग में टीबी है तो आपको चेस्ट पेन हो सकती है, आफ्टर द ट्रीटमेंट भी हो सकती है। मेरे को 4 साल हो गए लेकिन मुझे कभी कभी जैसे मेरे लेफ्ट साइड इन्फेक्शन था तो लेफ्ट साइड मुझे कभी कभी जो होता है वो चेस्ट पेन होती है, बट ये कॉमन है। बट इसके अलावा आपको कोई और सिम्टम्स नहीं होना चाहिए, अगर है तो आपको जल्द से जल्दी अपने डॉक्टर से ही मिलना पड़ेगा। अगर आप बाकी सबसे भी पूछ सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर से जल्द मिले, देरी ना करें। अगर कोई भी आपको सिम्टम्स दिखता है अपने ट्रीटमेंट के बाद, 1-2 महीने बाद, साल बाद, कभी भी, तो अपने डॉक्टर से जो है वो जरूर मिले। सो ये सारी प्रिकॉशंस आपको रखनी है आफ्टर ट्रीटमेंट, तो रिलैप्स होने के चांसेस जो है वो बहुत कम है। मैंने अपनी स्टार्टिंग में मैंने वीडियोज बनाई थी कि रिलैप्स क्यों होता है टीबी एंड इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं टीबी के, एमडीआर टीबी के। सो आप अगर वो जानना चाहते हो तो मेरी वीडियोस आप वो पीछे देख सकते हो। सो ये वेडनेसडे वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, अब मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, वो आप देखिएगा कल। एंड तब तक के लिए बाय बाय।